हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार एडुकेटर फैमिली में आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास भारत का। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जब 1857 की क्रांति हो चुकी होती है और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन के ब्रिटेन के महारानी के पास चला जाता है, तो 1858 में एक अधिनियम पारित किया जाता है और उस सिलसिले में क्या क्या चीज होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा शक्ति छीन लिया जाता है और भारत का शासन जो है वो ब्रिटेन की महारानी के अधीन चला जाता है। गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों संस्थाओं को भी समाप्त कर दिया जाता है। एक नया पद वायसराय का उसका सृजन होता है। वायसराय का मतलब होता है क्राउन का प्रतिनिधि, ठीक है। भारत में महारानी के बदले में जो यहां पे शासन करेंगे वो पद वायसराय कहलाता है। इसके अलावा इंग्लैंड में एक भारत सचिव नाम का पद सृजित किया जाता है। भारत सचिव ये ब्रिटेन के संसद के ही एक व्यक्ति को चुना जाता था इस पद के लिए, तो ब्रिटेन के संसद के एक व्यक्ति के द्वारा भारत सचिव पद को धारण किया जाता था और भारत सचिव को सहायता देने के लिए एक सलाहकारी परिषद जिसका नाम भारत परिषद रखा गया, वो भारत परिषद का स्थापना किया जाता है 1858 के अधिनियम के तहत। ये संस्था सिर्फ और सिर्फ 15 सदस्यीय लोगों की ये संस्था थी और इस संस्था के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ भारत सचिव को सलाह दिया जा सकता था। सलाह मानना भारत सचिव के पास था, वो मान भी सकता था नहीं भी मान सकता था, ये तो बता ही चुके हैं। इसके अलावा 1858 में जो ये अधिनियम लाया गया इसके तहत शिक्षित वर्ग जो कि भारत में उस समय इलिट वर्ग का निर्माण हो चुका था, तो शिक्षित वर्गों के द्वारा इस अधिनियम को भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाने लग गया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है विशेष अधिकार। तो भारतीयों को अब यह लगने लग गया था कि अब इंग्लैंड, चूंकि इंग्लैंड की महारानी के अधीन भारत का शासन चला गया है, तो जिस प्रकार से इंग्लैंड का विकास हो रहा है उसी प्रकार से भारतीयों का भी विकास होगा। तो ये पहला प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1858 का। इसके बाद लगभग जो भी अधिनियम पारित किया जाएगा उसको हम लोग भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत जानेंगे। रीजन पहले थोड़ा सा दो अंतर था। जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो संवैधानिक सुधार किया जा रहा था उसको हम लोग चार्टर के नाम से बुलाते थे। जब कोई कंपनी कोई रूल निकालती है तो उसको चार्टर बोला जाता है और जब कोई संसद किसी बिल को पास करवाती है तो उसे अधिनियम कहा जाता है। तो सत्ता जब ब्रिटेन की महारानी के अधीन चला गया तो अब हम लोग अधिनियम वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हम आगे के जितने भी अधिनियम होंगे उसमें भारत परिषद जैसा वर्ड हम देखेंगे। रीजन इंग्लैंड में भारत परिषद नाम का एक संगठन निर्माण हो चुका था जो भारतीय सचिव को सलाह देने का काम करते थे, तो वो भारत सचिव। अब जो है ब्रिटेन की संसद के द्वारा कोई भी अधिनियम पारित नहीं करवाया जाता था, भारत संबंधी सभी प्रावधान भारत परिषद अधिनियम जो लाया जाता था वो भारत परिषद में पारित करवाया जाता था। चलिए देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण शुरू में था उसको बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1813 के चार्टर्ड एक्ट आते आते भारत में केंद्रीकरण जो हो गया था सत्ता का, पूरे भारत पे भारत का गवर्नर जनरल का जो अधिकार था उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया 1861 के अधिनियम के तहत। इसमें बंबई और मद्रास के गवर्नरों को वैधानिक शक्तियां दी गई, कुछ नियम कानून वो अपने क्षेत्र में बना सकते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति वो कर सकते थे। इसके अलावा वायसराय को भी बहुत सारे पावर दिए गए, वो भारत को छोटे छोटे राज्यों में बांट सकते थे, मतलब नए राज्यों का निर्माण कर सकते थे। इसके अलावा राज्यों का सीमा निर्धारण कर सकते थे कि ये राज्य का सीमा कितना दूर है। तो ये संबंधी जितने भी प्रावधान थे ये सब कुछ वायसराय के अधीन आ चुका था। इसके अलावा भारतीयों को अब थोड़ा सा मौका दिया जाने लग गया था। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के अंदर
सदस्य होते थे, पहले तो सिर्फ ब्रिटिश सदस्य होते थे जिसको सरकारी सदस्य कहते थे, गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों की नियुक्ति जो है वो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के अंदर की जाने लग गई। इसके अलावा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, मंत्रिमंडल की शुरुआत जो आज के डेट में हम देखते हैं वित्त मंत्रालय किसी एक व्यक्ति के पास, रक्षा मंत्रालय किसी एक व्यक्ति के पास, ये मंत्रिमंडल का गठन जो था वो पहले क्या था, सिर्फ गवर्नर जनरल के अधीन होता था। जो भी पावर, जो भी नियम कानून बनाना होता था या कुछ भी चर्चा करना होता था तो वो गवर्नर अपने विवेकानुसार रूप से करते थे। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया और व्यक्तियों को अलग अलग विभाग बांटे गए जिससे काम को सुचारू रूप से करने में आसानी हो सके। इसके अलावा एक और पॉइंट जो बहुत ही भी आया है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को मिल गया। जब वायसराय के कार्यकारिणी परिषद और भारत परिषद ये जब वर्क नहीं कर रहा होगा उस दौरान वायसराय चाहे तो किसी भी नियम कानून को अध्यादेश के जरिए वो लागू करवा सकते थे और यह उस समय 6 महीनों के लिए था। ये अध्यादेश वाला जो है आज के डेट में भी हमारे संविधान में लिया हुआ है, राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला हुआ है जब लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रहा होता है तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये तो रहा भारत शासन अधिनियम 1858 और 1861। इसके अलावा दो और छोटे छोटे अधिनियम पारित करवाए गए, एक भारत शासन अधिनियम 1873 जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाएगा। अब कोई बहुत बड़ी कंपनी थी, छोटी कंपनी तो थी नहीं जो बोल दी और भंग हो गया, तो सारे कुछ कंपनी को भारत से सब कुछ उठा के अपनी फैक्ट्रियों को बाहर ले जाने में समय लगा और वो 1884 में पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था, तो वो 1873 के अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1873 के अंतर्गत। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष भंग हुई, समाप्त हो गई, तो वो होगा 1884। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा एक और छोटा सा अधिनियम है, 1876 में वैधानिक रूप से भारत परिषद अधिनियम 1876 को पारित किया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि जो उस समय की महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। अब आप कहिएगा हम तो ये चीज 1858 में भी बोल चुके थे, तो वो सिर्फ बोला गया था और कानूनी रूप से वह लागू नहीं किया गया था। तो भारत की साम्राज्ञी, यह कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यह भी बहुत वीवीआई है, भारत की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया बनी वो किस अधिनियम के अंतर्गत बनी, तो वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि 1876 के भारत परिषद अधिनियम के तहत बनी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।